सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा भूटिया डॉग जो यह बच्चा है इसकी कुछ अनकही बातें और कुछ शरारतें जो इस वीडियो में मैंने कैद की है, जो हम लोगों से कुछ गलतियां हो जाती है और बाद में हम अपने डॉग को कमियाँ बता देते हैं। डॉग दोस्तों मैं इसमें बताऊँगा आपको यह डॉग किस तरह एक्टिव है और क्या क्या हम लोगों के पास कमियाँ हैं और जो हमको बचपन में ही इन डॉगों की कमियां दूर कर लेनी चाहिए। देखते रहिए दोस्तों आप। यह पपी अभी घर के आंगन से भी बाहर नहीं जाएगा क्योंकि इसने अपनी कुछ बाउंड्री वगैरह कवर करके रखी है और ये इसकी खूबी है। जैसे इसको पोटी वगैरह आ जाती तो घर की साफ सफाई से अलग जहाँ पे थोड़ा गंदा वगैरह होगा वहाँ पर ये पपी पोटी करने चले जाएगा। ये आप देख सकते हो आंगन से एकदम हटके यह पपी गया है। दोस्तों ये भी देख सकते हो एकदम हेल्थी पपी है और सेल के लिए भी उपलब्ध है। और ये हम लोगों की कुछ कमियां होती है जो कि अपने शूज़ वगैरह रख देते हैं और ये पपी अभी जो पपी के दांत आ रहे हैं ये हम लोगों की कमियां हैं कि हम कल के दिन कहीं बड़े डॉग को जिस हिसाब से आदत डालेंगे उस हिसाब से डॉग गाइड होगा। अभी बच्चे के दांत आ रहे हैं इसलिए यह शूज़ झाड़ू और सॉक्स वगैरह के कुछ ज़्यादा ही दुश्मन होते हैं। अगर कहीं आपके घर में मैट्स वगैरह बिछी है तो उस पर भी यह ज़्यादा ही पागलपंती दिखाना शुरू कर देगा और एकदम प्लेफुल। डॉग के बच्चे जो होते हैं वह बहुत प्यारे होते हैं और शरारती होते हैं। उनको क्या है हम लोगों का प्यार चाहिए होता है जो कि वह डॉग प्यार के लिए तरसते हैं। तो आप अपना प्यार देते रहिए अपने डॉग को। और ये भी कमरे के अंदर चले गया है और ये आप देखते हो फुल एक्सरसाइज कर रहा है। और दोस्तों इसी तरह की कुछ खूबियां हैं, जैसे जैसे डॉग के दांत आएंगे आप आपकी घर के कुछ भी चीज़ पे स्क्रैच वगैरह डाल सकते हैं, सोफा वगैरह कुछ भी चीज़ अपनी सेफ रखना। या हम लोगों की कमियां हैं जो कि हम कल के दिन अपने डॉग को ना कहें कि यह डॉग बिगड़ गया है। डॉग बिगड़ता नहीं है, कुछ हम लोगों की बचपन में ही कमियाँ हो जाती है इस कारण से हमारा डॉग हमारे लिए बाद में हानिकारक हो जाता है, जो कि बहुत सारे लोग फिर डॉग को कहीं एडॉप्शन के लिए कहीं छोड़ देते हैं या कहीं फिर दूर दराज जंगलों में छोड़ देते हैं, कहीं बस स्टॉप पर छोड़ देते हैं इसी कारण से कि हमारे शूज़ वगैरह घर की इत्यादि सामग्री वगैरह फाड़ रहे हैं। तो अगर आप अपने डॉग को इन सभी चीज़ों से सेव रखना चाहते हैं तो एक मेडिकल शॉप वगैरह पर मिलेगा कैल्शियम स्टिक करके नाम है, आप वहाँ ले लीजिए अपने डॉग को और वही पकड़ा दीजिए बचपन में। जब जब उसको कुछ उनके दांतों में कुछ एलर्जी वगैरह होगी तो वह उसी में बिजी रहेंगे। दोस्तों यही है जो हम लोग अपनी कमियां नहीं देखते हैं हम बाद में अपने डॉग के लिए कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह के वीडियोस और चाहिए तो आप हमारी वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।